हेलो चिल्ड्रन, आज हम ईवेस का चैप्टर 5 करेंगे। तो 5th चैप्टर जो कि हमारा है अनीता एंड द हनीबीज। तो ये जो चैप्टर है ये एक गर्ल के ऊपर है जिसका नाम है अनीता, और ये एक ट्रू स्टोरी है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। अनीता कुशवाहा इज़ अ गर्ल स्टार। गर्ल स्टार इज़ अ प्रोजेक्ट विच टेल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेल्स ऑफ द ऑर्डिनरी गर्ल हु हैव चेंज देयर लाइफ बाय गोइंग टू स्कूल। तो ठीक है, ये एक गर्ल्स अनीता कुशवाहा गर्ल स्टार है, और गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है जो कि ऐसी बच्चियों की कहानी बताता है जो बच्चियां आम होती हैं, मतलब ऑर्डिनरी होती हैं जस्ट, और बाद में उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लाइफ होती है उसके बारे में बताते हैं कि स्कूल जाने से उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। तो ये अनीता जो गर्ल है उसके बारे में ये स्टोरी है। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोचहा विलेज। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, ज़िला है, और उस ज़िले में एक गाँव है बोचहा, जहाँ पर कौन रहती थी? अनीता कुशवाहा। आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर। वहाँ पर उस गाँव में वो अपने मम्मी पापा के साथ और अपने दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। आई स्टडी इन कॉलेज। वो कॉलेज में पढ़ती थी। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। और पढ़ाई के साथ साथ वो छोटे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाती थी। आई ऑल्सो कीप हनी बीज। वो हनी बीज भी रखती थी, हनी को रखती थी। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। ये सब कुछ करना ईजी नहीं था किसके लिए? अनीता के लिए, ऐसा बता रही थी अनीता। वेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गोट्स एज दे ग्रेज्ड फॉर फूड। तो जब वो छोटी थी तब वो बताती थी कि मैं अपनी बकरियों को चराने में ही व्यस्त रहती थी, बिजी रहती थी। ग्रेज मतलब जो गाय बकरी चरते हैं ना, घास चारा, उसे ग्रेज बोलते हैं। घास खाते हैं, हरे पत्ते खाते हैं जो। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. तो वो हमेशा से ही स्कूल जाना चाहती थी, बट जो अनीता के पेरेंट्स थे उनको पसंद नहीं था कि लड़कियाँ स्कूल जाएं, तो वो इस बात के लिए एग्री नहीं होते थे। A dream of school. अभी स्कूल जाने का जो सपना था वो उसके बारे में हम देखेंगे। One day I peeped into the school in our village. तो जो गांव का स्कूल था वहाँ पर एक दिन अनीता ने क्या किया, स्कूल के अंदर ऐसे ही झांक कर देखा। आई कुड नॉट स्टे अवे। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। तो वो वहाँ अपने आप को रोक नहीं पाई, झांकते झांकते वो क्या की, क्लासरूम के अंदर घुसकर और सबसे पीछे जाकर बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। उसे वहाँ पर बैठने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत खुश हो रही थी वो। I went home and pick up courage to talk to my parents about going to school. वो वापस घर आई और घर आने के बाद उसने सोचा मैं अपने मम्मी पापा से बात करूं कि मुझे स्कूल जानी है। जैसे तैसे करके उसने हिम्मत जुटाई, करेज मतलब हिम्मत करके उसने अपने मम्मी पापा से बात की कि मुझे स्कूल जाना है। बट दे टोल्ड मी क्लियरली डैट आई कुड नॉट डू सो, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं स्कूल नहीं जा सकती। उन्होंने क्लियरली अनीता को मना कर दिया। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, मतलब उस दिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा रोई। उस दिन अनीता बता रही है कि जब मम्मी पापा ने स्कूल जाने के लिए मना कर दिया तो बहुत दुखी हो गई और वो बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी। एक दिन मेरे गांव के ही स्कूल के एक टीचर ने मतलब मेरे पेरेंट्स को बताया कि स्कूल जाना क्यों ज़रूरी है, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड देम डैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माय एजुकेशन अप टू क्लास 8। तो वो टीचर ने अनीता के पेरेंट्स को बताया कि उन्हें किसी प्रकार का कोई फीस पे नहीं करना है क्लास 8 तक, यानी 8 तक अनीता फ्री में पढ़ सकती है। The teacher said that it was the right of every child to go to school. Teacher ने अनीता के parents को बताया कि ये तो हर एक बच्चे का अधिकार है, right मतलब अधिकार, तो हर एक बच्चे का ये अधिकार है, right है कि उसे school जाना चाहिए अगर वो जाना चाहता है तो।
somehow my parents agree. ये सब सुनने के बाद अनीता के पेरेंट्स एग्री हो गए कि ठीक है, हम अपनी बच्ची को भेजेंगे. आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल जाना अनीता ने स्टार्ट किया. आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क मैनी क्वेश्चंस. तो अनीता ने कहा मैंने स्कूल जाना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया, बट मुझे ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे नंबर आते थे, बट मेरी क्वेरीज बहुत ज़्यादा होती थी. बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में क्वेश्चंस होते थे कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ. तो इस तरीके से अनीता ने बताया कि स्कूल जाना कैसे स्टार्ट किया. तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से, मतलब अनीता की आगे की लाइफ, आगे की जो उसकी जर्नी है स्कूल की, वो हुई. तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू.